नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। छावनी परिषद के इतिहास में संभवतः ऐसा पहली बार हुआ जब परिषद के किसी चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया गया हो। मध्य कमान की रिपोर्ट के बाद छावनी परिषद बोर्ड ने आज चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अनुज सिंह को बर्खास्त कर दिया। साथ ही सदस्य धर्मेंद्र सोनकर भी बर्खास्तगी की तलवार लटक गई है। मध्य कमान ने सदस्य को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि क्यों ना उसके खिलाफ भी अतिक्रमण व अवैध निर्माण में संलिप्तता पाते हुए उनके सदस्यता समाप्त कर दी जाए। इन दोनों ही निर्णय ने अवैध निर्माणकर्ताओं व उनको संरक्षण देने वाले अधिकारियों व सदस्यों में हड़कंप मच गया है। छावनी परिषद की आज हुई मासिक बैठक में यह निर्णय लिया गया। अधिशासी अभियंता अनुज सिंह को बर्खास्त, मध्य कमान की डायरेक्टर शोभा सिंह की रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड बैठक में कर दिया गया। संपूर्ण बैठक से हालांकि प्रेस को बेहद दूर रखा गया। सूत्रों का कहना है कि 2013 से चल रही थी जांच। परिषद के सीईओ डीएन यादव के कार्यकाल के दौरान सीईई अनुज सिंह से उनके रिश्ते कभी भी ठीक ठाक नहीं रहे और उसी दौरान ही बोर्ड बैठक में निर्णय लेकर अनुज सिंह पर बंगला नंबर 167 समेत कुल 7 विषयों को लेकर जांच करवाने की संस्तुति मध्य कमान को प्रेषित की गई थी, जिस पर मध्य कमान द्वारा तत्कालीन लखनऊ कैंट की मुख्य अधिशासी अधिकारी शोभा गुप्ता को उक्त जांच सौंपी गई थी। शोभा गुप्ता वर्तमान में मध्य कमान में डायरेक्टर हैं। उनके द्वारा समस्त 7 बिंदुओं पर की गई जांच की रिपोर्ट 29 मार्च 2019 को कैंट बोर्ड मेरठ को प्राप्त हुई थी, जिस पर अनुज सिंह को रिपोर्ट प्रेषित करते हुए उनका जवाब दाखिल करने को कहा गया था। और आज संपूर्ण औपचारिकताओं के बाद बोर्ड बैठक में निदेशक शोभा गुप्ता की जांच रिपोर्ट के आधार पर अनुज सिंह को बर्खास्त कर दिया गया। इस बारे में अनुज सिंह से जब बात की गई तो उनका कहना था कि उन्हें बोर्ड के निर्णय की कॉपी प्राप्त जब होगी उसका वे अध्ययन करेंगे और इसके बाद ही डिसीजन लेंगे कि उन्हें इसके बाद क्या करना है। बोर्ड बैठक में ही अनुज सिंह की बर्खास्तगी की खबर जैसे ही बाहर अन्य कर्मचारी तक पहुंची सभी स्तब्ध रह गए और चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। सदस्य धर्मेंद्र सोनकर पर भी लटकी सदस्यता समाप्ति की तलवार। वार्ड 7 से सदस्य धर्मेंद्र सोनकर को भी मध्य कमान से उनकी सदस्यता समाप्त किए जाने का कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। उक्त विषय में बोर्ड में चर्चा के उपरांत सदस्य द्वारा सोनकर का बचाव करते हुए कहा गया कि जिस निर्माण को आधार बनाकर उन्हें नोटिस दिया गया वह निर्माण 25 साल पुराना है और धर्मेंद्र पहली बार 2015 में सदस्य निर्वाचित हुए थे। बता दें कि 27 फरवरी 2017 को हुई बोर्ड बैठक में तत्कालीन सीईओ राजीव श्रीवास्तव द्वारा वार्ड 7 में एक मंदिर निर्माण का आरोप लगाते हुए सदस्य धर्मेंद्र सोनकर के खिलाफ कैंट एक्ट की धारा 34 के तहत कार्रवाई की संस्तुति की गई थी और प्रस्ताव बोर्ड से पास भी करवा दिया गया था। अब उक्त विशेष में मध्य कमान से कारण बताओ नोटिस आया है। जानकर बताते हैं कि मध्य कमान से ऐसा नोटिस किसी सदस्य के लिए पहली बार प्रेषित किया गया, जबकि धारा 34 के अंतर्गत प्रस्ताव तो पूर्व में भी सदस्यों के खिलाफ भेजे जाते रहे हैं। बता दें कि छावनी परिषद क्षेत्र में ही बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण होते रहे हैं। बंगला नंबर 210B में भी खासा चर्चा और विवादित मामला है। इस परिसर में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी कोठियां बना रखी हैं जिन्हें परिषद पहले ही अवैध घोषित कर चुका है। इसमें ही बिल्डर अनंत प्रकाश अग्रवाल ने बहुत सारे निर्माण किए और उसके साथ ही एक मॉल का निर्माण भी किया। अब सभी निर्माण पर ध्वस्तीकरण की तलवार लटकी हुई है। इस मॉल को जब गिराया गया तो इसके मलबे के नीचे दबकर 5 लोगों की मौत हो गई। अनुज सिंह अपनी ड्यूटी पर थे जिस कारण हत्या का मुकदमा उनके खिलाफ भी दर्ज कराया गया। छावनी परिषद की तरफ से अकेले वह अभियंता थे जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। करीब 3.5 माह जेल के बाद जमानत पर बाहर आए अनुज सिंह को चार्ज लेने के लिए भी खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी।